नमस्कार मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर, आज आप लोगों से किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग जो कि महाकवि भारवी द्वारा विरचित है, मैं श्लोक संख्या 7 की चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि पिछले क्लास में मैं आपसे 6 श्लोकों तक चर्चा किया था। जैसा कि 8वां श्लोक आप लोग सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्व विद्वेषाम्। इसमें वनेचर ने बताया महाराज युधिष्ठिर से कि हे प्रभु, मैं जो गुप्त रहस्यों वाला नीति मार्ग जान करके आया हूं, यह सब आपकी कृपा है, यह सब आपका आशीर्वाद है। भला बताइए, मैं अज्ञान का मारा, मैं भैंसिया चरवा है, आदमी कहां से इसको जान पाता। जब आप पीएचडी किए हुए नेट ग्यारह पास आप हैं, युधिष्ठिर पढ़े लिखे आदमी थे, जब आप नहीं जान पाए उस दुर्योधन के गुप्त रहस्य वाला मार्ग, तो भला बताइए हमारे बस की बात कहां है। तो यह जो बात हुआ है युधिष्ठिर वो बता रहा है बने, जब जो हस्तिनापुर से कुरु प्रदेश से दुर्योधन की दुरूह नीतियों को जो जान करके वह आया है, वह पूरा से जो है वह युधिष्ठिर महाराज को सौंप देता है। और अग्रिम श्लोक में बताता है वनेचर कि हे प्रभु, वह जो दुर्योधन है, वह आपसे हमेशा डरा रहता है। भले ही वह जीत लिया है, भले ही छल के द्वारा संपूर्ण उस कुरु प्रदेश पर वह राज्य कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डर है। तो अब गुप्त रहस्य जो जान करके आया है, निगूढ़ तत्त्वम, जो गुप्त रहस्यों वाला बात जान करके आया है, वह बात बताते हुए बनेचर युधिष्ठिर महाराज से कह रहा है। तो अब आइए देखते हैं अगले श्लोक, 7वां श्लोक की है। विसंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्तोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरचत्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। विसंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। कहा नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। यहां पर देखिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया भारवी जी ने, क्या लिखा? सुयोधन। जबकि महाभारत में दुर्योधन के लिए दुर्योधन का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां भारवी महोदय ने किरातार्जुनीयम में सुयोधन पद का प्रयोग किया। सुयोधन अर्थात सुखेन युद्धते इति सुयोधनः, दुखेन युद्धते दुर्योधनः, अर्थात जिसको दुख पूर्व बड़ी कठिनाई से जिसको जीता जाए वह क्या है? दुर्योधन है। और जिसको बड़ी आसानी और सरलता से जीता जाए वह क्या है? सुयोधन है। तो एक प्रश्न तो यहां से बनता है, निश्चित रूप से बनता है, बहुत आता है कि महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में दुर्योधन को किस नाम से संबोधित किया है? तो वह किस नाम से? सुयोधन नाम से संबोधित किया है। क्यों संबोधित किया? क्योंकि सुयोधन को भीष्म बड़े आसानी से उसको हरा देते थे, बड़े सुखपूर्वक लड़ते थे। सुखेन युद्धते इति सुयोधन और दुखेन युद्धते इति दुर्योधन। तो जो सुखपूर्वक जिसको जीता जाए, जिससे लड़ा जाए, वह सुयोधन। तो भीष्म जो है दुर्योधन से बड़े सुखपूर्वक लड़ते थे, बड़े मस्ती से लड़ते थे, पटक पटक कर खूब पटियाते रहते थे, खूब मारते पीटते रहते थे, खूब लतियाते रहते थे, इसीलिए सुयोधन भारवी महोदय ने कहा। कहा सुयोधन है। अब यहां तो एक तो
जो निगूढ़ तत्व है, एक तो निगूढ़ तत्व यहीं पर दिखाई दे रहा है, भार्मी का गुप्त रहस्य। कहा ए महाराज, अब तो जीतने वाला जीतने लायक हो गया है, बड़े उसको आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ अब भार्मी जी बताइए, अच्छा एक प्रश्न बताइए कि भार्मी जी किसके पक्ष में है, कौरवों के पक्ष में है, दुर्योधन के पक्ष में है कि पांडवों के पक्ष में। अगर मान लीजिए हम आपको कह दें अरे परीक्षा पास करना बड़ा कठिन है, तो आप हताश हो जाएंगे। अगर हम आपको कहें नहीं नहीं यार परीक्षा बहुत सरल है, संस्कृत बहुत सरल होती है, संस्कृत कठिन नहीं होती है, तो आपके अंदर एक उत्साह आएगा, एक जोश आएगा, एक एनर्जी आएगी, नहीं आएगी। तो हम आपके पक्ष में हैं। अगर हम बताएं नहीं बहुत कठिन है, तब आप कहेंगे कहा गुरु जी ऐसी आप बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे वहीं पर कहूं नहीं संस्कृत बहुत सरल है, बस थोड़ा सा मेहनत करना होता है, तो वही भार्मी महोदय भी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर बिल्कुल लड़ जाओ, जीत जाओगे, बस थोड़ा सा मेहनत कर दो, दुर्योधन सुयोधन हो गया है, उसको चाहे जितना पटक के मारो। यह बात अब हम बात करते हैं इसकी। चौथी लाइन में देखिएगा, लिखा है कि नयन जेतुम जगतिम सुयोधन, फिर ऊपर लिखा है कि दुरोदर छद्म जिताम, दुरोदर छद्म जिताम समीहते। तो कहा जगतिम जेतुम समीहते, कहा सुयोधन, सुयोधन हम सुयोधन की बात करते हैं, तो यहां सुयोधन सुयोधन देखिए सुयोधन सुयोधन जगतिम सुयोधन जगतिम जगतिम जेतुम जेतुम समीहते। तीसरी लाइन में समीहते लिखा हुआ है, समधन इहते, इह धातु इस धातु है, इच्छा के अर्थ में है, इच्छा करता है। अब देखिए सुयोधन माने दुर्योधन, जगतिम माने पृथ्वी को जीतने की इच्छा करता है। वह सुयोधन पृथ्वी की पृथ्वी को जीतने की का करता है, जीतने के लिए इच्छा करता है। वह सुयोधन वह दुर्योधन पृथ्वी को जीतने के लिए इच्छा करता है, समीहते माने इच्छा करता है, सम उसर को इस धातु इच्छा अर्थ में है, इहते आत्मने पद में बनेगा, क्या इहते बनेगा। तो कहा आप कैसे जीतने की इच्छा करता है, बनेचर कहा कि हे प्रभु, अब वह नयन जगतिम, नयन नयन माने नीति मार्ग से, नयन माने कहा सुयोधन नयन जगतिम जेतुम समीहते, वह जो सुयोधन है जो दुर्योधन है, अब वह नीति के मार्ग से नयवर्तम नयवर्तम जो नीति के मार्ग से मैं जाना, कहा जो सुयोधन है वह नीति के मार्ग से जगति माने पृथ्वी को जीतने की इच्छा करता है, जबकि वह किया क्या है, दुरोदर छद्म जिताम, दुरोदर छद्म अर्थात दुरोदर दुरोदर छद्म जिताम जिताम, दुरोदर माने होता है जुए में, जुए में दुरोदर माने जुए में, छल माने छल से, जो जीती गई पृथ्वी है वह दुर्योधन वह सुयोधन जो दुरोदर माने होता है जुआ में, जुआ में कहा जुए में छल कपट करके जो उसने पृथ्वी को जीता है, जिताम माने जीत लिया है, अब वह सुयोधन नीति के मार्ग से उस पृथ्वी को उस राज्य को जीतने के लिए इच्छा करता है। कहा हे प्रभु, वह सुयोधन जो है नीति के मार्ग से जीतने की बात करता है। यहां पर देखिए छठवें श्लोक में जो लिखा कि निगूढ़ तत्त्वमन्नयवर्त्मविद्विषाम, कहा शत्रु का जो गुप्त रहस्य वाला मार्ग मेरे द्वारा नीति मार्ग से जाना गया। अब यहां देखिए निगूढ़ तत्वों की बात आ रही है कि नहीं, निगूढ़ तत्व क्या है ये, कहा सावधान हो जाइए आप, कहा सावधान, कहा कि दुरोदर जो जुआ में उसने आपकी पृथ्वी को छल से जीत लिया, जो वह चूना लगा दिया जुआ खिला खिला करके उसके मामा सपनी और मिल करके जो आपकी पृथ्वी आपकी आपका राज्य जो उसने जुए में छल से जीत लिया। कहा ये प्रभु, अब वह नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। कहा नीति का मार्ग क्या फैला रहा है, वह प्रजाओं के लिए अच्छा अच्छा कार्य कर रहा है, ये सब आगे बात बनेचर बताएगा। अभी तो ये बनेचर पूरी बात बता रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। पूरे प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर महाराज श्रोता के रूप में बैठे हैं,
किस रूप में बैठे हैं? श्रोता के रूप में बैठे हैं, सुन रहे हैं बस। और दोनों कौन कौन का कह रहे हैं? बनेचर और द्रौपदी, ये दोनों लोग पूरी बात जो है युधिष्ठिर को बता रहे हैं और चुपचाप शांत होकर के सुन रहे हैं। तो वही बात यहां बनेचर कह रहा है कि हे प्रभु, जो अब वो सुयोधन है अर्थात जो दुर्योधन है, जो आपके द्वारा छल से पृथ्वी को से जुए में छल से पृथ्वी को जो जीत लिया है, अब वह नीति के मार्ग से पृथ्वी को जीतने की समीहते माने इच्छा करता है। अब वह नीति का मार्ग लगा रहा है। यह निगूढ़ तत्व की बात कर रहा है कि नहीं? यह गुप्त रहस्य की बात कर रहा है कि नहीं? यह सेक्रेट प्लान की बात कर रहा है कि नहीं? कितना बढ़िया सेक्रेट प्लान की बात कर रहा है, नहीं कर रहा सेक्रेट प्लान की बात? अब यह बात कैसे जान पाएगा भाई? कौन आदमी जान जाता, जबकि यहां पर बनेचर जो है बड़े दिमाग से बड़े नीति मार्ग से जो है वह सीक्रेट प्लान जान कराया। वह सीक्रेट प्लान क्या जान कराया? वह गुप्त रहस्य क्या जाना? वह गुप्त रहस्य यही जाना कि अब सूर्योधन जो है नीति के मार्ग से आपकी पृथ्वी को आपके राज्य को हड़पना चाहता है, जीतना चाहता है। अभी तो जुए में जीत के आया है, अभी तो वह जुए में जीत करके आपको 13 वर्ष का जंगल भेज दिया कि जाकर के ऐश करो, लेकिन फिर भी वह दिमाग लगा रहा है कि युधिष्ठिर वाले लोग सब जब वही हैं, 12-13 साल का वनवास काट के तेरु जबरदस्ती को हाँ यही करेंगे, जबरदस्ती यहीं पर लड़ाई उड़ाई करेंगे, कुछ दिमाग लगाओ नहीं तो सब हमारी राज्य जो है चली जाएगी। तो वही बनेचर बता रहा है कि अब दुर्योधन जो है नीति के मार्गों को अपना रहा है, नीति के मार्गों से जो है वह पृथ्वी को जीतना चाहता है। तो दुरोदर छत नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। हे महाराज, जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को अब वह सुयोधन, अब वह दुर्योधन नीति के द्वारा, नयेन माने नीति के द्वारा, तृतीया एक वचन, पृथ्वी को जीतने के लिए इच्छा करता है, जीतना चाह रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना? चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे बताया, कहा विशंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः। कहा विशंकमानः भवतः पराभवम्, कहा भवतः पराभवम्, भवतः विशंकमानो भवतः पराभवम्, कहा भवतः पराभवम्, पराभवम् विशंकमानः, 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 कहा भवतः माने आपसे पराजय की आशंका करता है, कहा वह आपसे पराजय से सशंकित रहता है। कहा कैसे? कहा दूसरी लाइन में देखिए लिखा हुआ है कि नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः, नृपासनस्थः, 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 वनाधिवासिनः, वनाधिवासिनः, कहा वन धन अधिवासिनः, वन में निवास करते हुए वह नृप आसन है, वह कैसा है? जबकि वह आपको जुए में पृथ्वी को जीत करके आपको जंगल भेज दिया और वह सिंहासन पर बैठा हुआ है, राजा के सिंहासन पर, नृप आसन अस्थ, अस्थ माने बैठा हुआ। कहा राज सिंहासन पर, राज के आसन पर, राजा के सिंहासन पर, राजा की गद्दी पर अस्थ माने बैठा हुआ, अपि माने भी, भवतः माने आपसे, पराभवम माने पराजय के लिए, पराजय की, विशंक माना माने सशंकित रहता है, आशंका करता है। जबकि आप हैं क्या? आप हैं वन अधिवासिनः, वह दुर्योधन क्या है? नृपासनस्थः,
दुर्योधन क्या है नृपासनस्थ, युधिष्ठिर महाराज क्या है वनाधिवासिनः, कहा आप वन में निवास करते हुए, कहा आप वन में निवास करते हुए। यहां भवतः का तात्पर्य किसका है, भवतः का तात्पर्य है यहां पर युधिष्ठिर का, भवतः का तात्पर्य किसका है युधिष्ठिर महोदय का है। कहा भवतः माने आप वन में निवास करते हुए भी वह राशि घास पर बैठा हुआ पराजय की आशंका करता है। कहा आपके भवतः सठी एक वचन, कहा आपके वन में निवास करते हुए, जंगल में निवास करते हुए, कहा आप तो वनवासी हो गए हैं और तो राज गद्दी पर बैठा हुआ है, कहा फिर भी वह आपसे आशंका करता है, पराजय की आशंका करता है। एक गुप्त रहस्य भी है, यह भी बताया बनेचर ने, यह भी कहा कि महाराज ये मत सोचिएगा कि वह आपसे डरता नहीं है, आपसे डरता है, हमने देखा है, हमने देखा है कि वह डरता है। वो भले क्या कहते हैं अपने महरिया के सामने कहता है हट, हम थोड़ी डरते हैं युधिष्ठिर से, अब आएगा तो हमें पटक करके हम मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहा महाराज मैंने देखा है, एक तो गुप्त रहस्य यही पता चल गया, विशंक माना सशंकित रहता है। कहा काहे के लिए, कहा पाभव पराजय की, कहा वह आपसे पराजय की शंका करता है। एक निगूढ़ तत्व तो यह बता रहा है, यह सेक्रेट बात बता रहा है, पहला नंबर कि वह भले ही राज सिंहासन पर बैठा है लेकिन फिर भी वह आपसे हमेशा डरा रहता है, पराजय की आशंका करता है कि निश्चित रूप से अगर हम कोनो दिमाग उमाग नहीं लगाएंगे ना, कोनो जुगाड़ उगाड़ नहीं लगाएंगे, तो ये सब भीम वगैरह जब आई है तो हमका मारे मारे लाठी कुल राज वो जी छीन लई है, का नहीं हो सकत है का भाई, अगर वो दिमाग नहीं लगाएगा तो भाई भीम जब पहुंची है कहे दुर्योधन उतार चल इधर आओ, अब हमारे भैया बैठे ही राज्य में गद्दी पास सिंहासन पर, भैया बैठे चल इधर आओ मारे लगा भाई, तो उसके अंदर ऐसा डर है, ऐसी आशंका बनी हुई है। वही बात यहां पर बनेचर महोदय कह रहे हैं कि हे प्रभु वन में निवास करते हुए आपसे वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह पराजय की आशंका करता है। कहा वनाधिवासिन है, वन में निवास करते हुए, तो यहां वनाधिवासिन से किसका तात्पर्य हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, तो वनाधिवासिन से यहां पर युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। कहा हे प्रभु आप जंगल में निवास कर रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह दुर्योधन नृपासनस्थ से किसका बोध हो रहा है, तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। यहां नृपासनस्थ कौन है, तो यहां नृपासनस्थ दुर्योधन है, दुर्योधन है। वनाधिवासिन कौन है, तो वनाधिवासिन जो है वह है युधिष्ठिर महोदय, कौन है युधिष्ठिर महोदय है। कहा वह दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी पराजय की आशंका करता है, तो कहा वनाधिवासिनः नृपास भवतः नृपाधिवासिनः, कहा भवतः वनाधिवासिनः आपके वन में निवास करते हुए भी, कहा वनाधिवासिनः वन में निवास करते हुए, भवतः माने आपसे नृपासनस्थः अपि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी, भवतः पराभवम विशंकमानः आपसे वह पराजय की आशंका करता है, वह डरता रहता है। अब देखिए विशंकमानः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो विशंकमानः में सानच प्रत्यय लगा हुआ है, विशंक सानच प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। नृपासनस्थ माने बैठा हुआ प्रथमा, पराभव में द्वितीया है, भवतः में षष्ठी है, ठीक है। वनाधिवासिन में वन धन अधिवासिन में भी प्रथम षष्ठी है, ठीक है ना, निवास करते हुए, ठीक है। तो अब पूरी बात सुनिएगा, कहा कि वनाधिवासिन वन में निवास करते हुए राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी, अस्त माने बैठा हुआ भी, भवतः माने आपसे पराजय की आशंका करता है। कहा क्यों, कहा दुरोदर छत्म जिताम, कहा जुए में छल से जीती गई जगतिम माने पृथ्वी को, सुयोधन वह सुयोधन वह दुर्योधन नयन दे तुम समीहते, नीति से जीतने के लिए समीहते माने इच्छा करता है, नीति से जीतने के लिए वह सुयोधन दुरोदर छद्म जिताम, जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को, वह सुयोधन नीति से जीतने के लिए समीहते माने
इच्छा करता है। क्या करता है? इच्छा करता है। ठीक है, तो दुरोदर छद्म जिताम, यहां दुरोदर माने क्या होता है? जुआ। छद्म माने छल से, जिताम माने जीती गई, नयन माने नींद से, सुयोधन का अर्थ किसका है? दुर्योधन का है। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में दुर्योधन को किस नाम से संबोधित किया है? तो सुयोधन से संबोधित किया है। सुयोधन क्या किस मार्ग से पृथ्वी को जीतना चाहता है? तो नीति मार्ग से पृथ्वी को जीतना चाहता है। किसके द्वारा, किस मार्ग से वह पृथ्वी को जीत लिया था? तो दुर्योधन माने जुए ने छल से पृथ्वी को जीत लिया था। नृपासनस्थ से किसका बोध हो रहा है? नृपासनस्थ से किसका बोध हो रहा है? तो नृपासनस्थ से दुर्योधन का बोध हो रहा है। वनाधिवासिना से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। यहाँ भवतः पद किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। वह पराभवम विशंकमानः, पराभवम विशंकमानः से किसका अर्थ बोध हो रहा है? तो दुर्योधन का अर्थ बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार श्लोक मेरे साथ आप सभी लोग बोलेंगे। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। तो याद कर लेंगे ना? चले ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।